अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं इमरान सादिक और आप देख रहे हैं ज़ैन अली टीवी। दोस्तों आज हम बात करेंगे ये सेट है सोनी का। तो जैसा कि आप फॉल्ट आपके सामने आप देख सकते हैं, पूरी स्क्रीन के ऊपर ये ब्लैक स्टोन आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये सारे यहां पर भी ये आप देख सकते हैं, ये ऊपर वाले हिस्से में नहीं है, बाकी ये लेफ़्ट राइट और नीचे वाले हिस्से में ये ब्लैक स्टोन आपको नज़र आ रहे हैं। एक आ दो तो फिर उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, वो तो रिमूव किया जा सकता है, थोड़ी को मेहनत करनी पड़ती है उसमें, वो तो रिमूव हो जाता है। लेकिन ये जो इतने सारे हैं ये आस्ता आस्ता ये सारी स्क्रीन पे भी आ सकते हैं, ठीक है, ऊपर वाले हिस्से में भी आ सकते हैं। तो ये फॉल्ट स्क्रीन के अंदर होता है इसके, ठीक है, ये फॉल्ट ठीक नहीं होता अमूमन। अगर कोई छोटा सा कोई दाग हो तो हम उसको यहाँ से हम प्रेस करे रहेंगे, ये इस तरह से लेके जाएंगे तो फिर वो ख़त्म हो सकता है, लेकिन इतने सारे दाग जो हैं वो एक साथ ख़त्म नहीं हो सकते, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये अभी ख़त्म हो रहा है, तो लेकिन जब ये ख़त्म नहीं होगा मुकम्मल तौर पे, इसके अलावा ये आस्ता आस्ता फिर से दाग बनना शुरू हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं नीचे वाले हिस्से में भी काफ़ी बड़ा दाग है, इसके अलावा ये एक सेंटर में दाग आ गया, ठीक है। तो ये सारे के सारे हैं, तो इसका करना क्या होगा, इसको हम करेंगे क्या कि इसका ये पैनल चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। ये फॉल्ट है इसके, स्क्रीन का फॉल्ट है, पैनल का फॉल्ट है, तो हम पैनल पूरे का पूरा चेंज करेंगे, क्योंकि ये अगर हम इसको ठीक नहीं होगा, मैं आपको ये बताऊँ, ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने अगर इसको करें तो साइड में फैलता जाएगा, ठीक है, आपको साइड में आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, ये दाग साइड में फैलता चला जाएगा। अगर हम इसको ख़त्म करने की यहाँ से आस्ता आस्ता कोशिश भी करें, काफ़ी मेहनत करने के बाद ये एक दाग जाएगा तो फिर साइड में ये फैलता जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये नीचे की तरफ फैलना शुरू हो गया, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। तो इस तरह ये जो फॉल्ट है ये ख़त्म नहीं होगा, तो इसका अब हम पैनल चेंज करेंगे, क्योंकि ये पैनल का स्क्रीन के अंदर होता है फॉल्ट ये, ठीक है, तो ये ऐसा डिफ़िकल्ट फॉल्ट है कि ये ठीक नहीं होता, तो इसलिए हम इसका पैनल चेंज करने जा रहे हैं, ठीक है। तो जी फ्रेंड्स, पैनल चेंज कर दिए मैंने, बिल्कुल न्यू पैनल अब इसके ऊपर ऐड किया, ठीक है। तो अब हम इसको पावर देंगे, ये पावर दे दी, अब हम यहाँ से इसको ऑन कर लेते हैं, ये इसकी की है स्टैंड बाई की। तो सेट हमारा ऑन हो गया, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, अभी आप देख सकते हैं वो ब्लैक स्टोन जो है वो, तो क्योंकि आप जब पैनल ही चेंज कर दिया तो अब ब्लैक स्टोन का कहाँ से आएंगे, ठीक है। तो ये जो फॉल्ट है ब्लैक का, ये ब्लैक दाग आपको जो नज़र आते हैं, ये एक का छोटा सा जो तो वो तो रिमूव किया जा सकता है, लेकिन जब इतने बड़े पैमाने पे जब ये ब्लैक स्टोन आ जाएंगे, दाग आ जाएंगे, तो ये इनको रिमूव करना बहुत मुश्किल हो, अव्वल तो ये पहले तो बात है ये रिमूव होता ही नहीं, ठीक है, इतने कहाँ तक, कितने आप यहाँ से बहुत मेहनत करना पड़ता है इसमें, ये स्क्रीन के अंदर फॉल्ट होता है, ठीक है, डिफ़िकल्ट फॉल्ट होता है, तो ये नहीं जाता अमूमन अक्सर जो है, ठीक है। तो अभी हम इसको केबल देते हैं, तो आप देख सकते हैं सेट इस वक्त बिल्कुल न्यू पैनल है, ठीक है, पहले वाला पैनल मैंने चेंज कर दिया, रिमूव कर दिया, अब इसके ऊपर नया पैनल ऐड कर दिया गया, ठीक है, बिल्कुल A1।